हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है अभी 2021 में 17-18 तारीख को। तो उसका ये एक पेपर है, एक शिफ्ट का। तो भाई पेपर काफ़ी, मुझे तो लगा काफ़ी डिफ़िकल्ट तरह का आया हुआ था, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन वाला भाई, वाटर गैस होती है हमारा CO+H2O, तो ये इसका डी ऑप्शन सही बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिटिक एसिड गिव्स, तो इसका सी ऑप्शन है, सी आंसर बनेगा, नेफ्थलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ। थर्ड क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंथैल्पी इज़ वैल्यूड बाई यूजिंग फॉलोइंग, तो हैस लॉ यूज़ करके बॉन्ड एंथैल्पी हम निकालते हैं। फोर्थ इज अमंग द क्लोराइड्स ऑफ एल्कलीन अर्थ में गिवन बिलो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज फॉर फजान रूल, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग हमारा MgCl2 का सबसे कम बनता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट्स हैं, तो उसमें रेट कंसंट्रेशन जो रेट हमारा होता है उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा मोल पर लीटर और उसकी पावर 1 - n। तो अगर ज़ीरो के लिए पूछा है तो 1 - n 0 हो गया, तो मोल पर लीटर इसका हो गया, यानी कि मोल एंड लीटर इनवर्स, तो इसका बी बनेगा ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन भाई, ये मैंने तो पहली बार पढ़ी थी, क्वेश्चन क्या है, तो इसका बी आंसर है, लॉबरी डीब्रन क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो जो इन्होंने दे रखी है ये क्वेश्चन, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कौन नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है जो न्यूक्लियस लविंग हो, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन बनता है सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस का जो जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो 1 होता है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज यूज टू एक्सप्लेन होमोजेनस कैटालिसिस, तो होमोजेनस कैटालिसिस के लिए इंटरमीडिएट थ्योरी आता है इसका आंसर। 11th है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ए गैस, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी होती है जो सी ऑप्शन है, 2RT/m का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली, मोर रैपिडली हाइड्रोलिसिस किसका होगा, हमारे पास एल्काइल जो एलाइल का होगा हमारे पास, ठीक है। तो वाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड रेडिकल बन जाता है, तो ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। द नाइट्रोजिनेस एंजाइम इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज को फैक्टर, नाइट्रोजिनेस एंजाइम में को फैक्टर क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो जितनी ज़्यादा चेन लेंथ लंबी होती है, तो यहाँ पे सक्सेनिक एसिड की चेन लेंथ लंबी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं द एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टन कंडीशन, तो मोल्टन कंडीशन में जहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन की, तो वो लुईस का कॉन्सेप्ट है, तो 16th का होगा डी। 17th जो क्वेश्चन है वो है, हमें इक्वेशन दे रखी है और इसका नाम हमने बताना है, तो ये डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है। 18th क्वेश्चन है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। द वर्क डन इन्वॉल्विंग डिजॉल्विंग 1 mole ऑफ जिंक इन एक्वस HCl कितना होगा, तो वर्क डन यहाँ कैसे निकालेंगे, जो वर्क डन होता है हमारा दैट इज इक्वल टू P∆V, और P∆V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P∆V की जगह हम डेल्टा NgRT भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो N आएगा वो 1 आ जाएगा, और R की वैल्यू 8.314 × 298 डाल के हमारा बी ऑप्शन है आएगा आंसर। टेम्परेचर अबव विच अ रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, कौन से टेम्परेचर के ऊपर उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, वो है हमारा
क्रिटिकल टेम्परेचर। 22 क्वेश्चन है सीवी फॉर CO2 एट रूम टेम्परेचर। तो भाई इसका तो मुझे आंसर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे रखा है हमें और हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बताना है, तो इसका हम ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग जो कंसंट्रेशन है आयन की, और एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड है और उसकी जो स्टेट होगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डबल 2 पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा, ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने किया हुआ है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है और रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट बताना है, तो इसका सी बनेगा यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 क्वेश्चन क्या है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड किससे बनेगा, बेंजिल क्लोराइड से बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड 2। तो क्वांटम यील्ड 2 किस में बन रही है, तो क्वांटम यील्ड होती क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड पर क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। तो ये सी आंसर इसका होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस दे रखी है एंड मोलर कंडक्टेंस निकालना है हमने, तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे के इन 2000 अपॉन एम, और हमारा आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट का हमारा डी है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में यूज़ होगा, और NaCl जो है NaCl हमारा नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वाइट वॉश में यूज़ होगा, NaCl वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 5 वाटर जो है वो हमारा कास्ट ऑफ स्टैचूज बोलेंगे इसको, और जो लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट वो एंटासिड में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रेफर टू रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाला ही होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं 30th क्वेश्चन पे, द मोस्ट सुटेबल अल्कली मेटल टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम हाईली प्योर आर्गन गैसेस, लिथियम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ क्रोमियम बॉन्ड्स इन दिस क्रोमियम एसीटेट। तो ये क्रोमियम हमारा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो 8 बनेंगे, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेशन पावर ऑफ As2H3। तो हाईएस्ट कोगुलेशन पावर हमारी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की होगी क्योंकि सबसे छोटा साइज इसका है यहाँ पे, और नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सिलीनियम डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर सी होगा, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सिलीनियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया हुआ है कि अबव रिएक्शन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 किसकी तरह काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है वो, तो ये हमारा बेस की तरह वो काम करने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन दिया हुआ है C6H5CONH2 को P2O5 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा B6H5CN। क्वेश्चन नंबर 38 है, जूल थॉमसन कोफिशेंट को सही रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसका आंसर डी है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स
किसके लिए वैलिड है, तो सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए वैलिड है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो उसका आंसर सी होगा, कॉपर 1 और Hg1, क्योंकि जब हम इसकी निकालेंगे हमारे 3D9 बनेगा, तो 38 आंसर होगा इसका, 38 का सी आंसर होगा। 39th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसको हम इसका नाम नेम रिएक्शन है, चीची बैबिन रिएक्शन है, तो ये तो भाई नेम रिएक्शन सारे पता ही होंगे। नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो है ए। 41 क्वेश्चन है, विच इंटरमीडिएट फॉर्म ट्रिप्टिसिन, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 में है, वट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विद HCl टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 43 और 44 के मुझे भी एग्जैक्ट आंसर आई एम नॉट श्योर क्या होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 43 और 44। 45th क्वेश्चन है, ऑर्थो बोरिक एसिड दिया हुआ है और ट्राइगनल जो BO3 नेगेटिव यूनिट्स हैं उनमें बॉन्ड पूछे हुए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो होते हैं, तो सी ऑप्शन होगा इसका। 46th क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन बी फॉर्मली फॉर्म्ड फ्रॉम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, तो इसका मुझे जहाँ तक सीक्वेंस लगता है वो बी ऑप्शन होगा, बाकी कुछ वो गड़बड़ तो भाई आप लोग बता देना। इफ द हाफ लाइफ दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हाफ लाइफ वाला लगना था, टी हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन के, और यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे क्या होगा, सी लग रहा है मुझे, तो आंसर 48 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लिक्विड अमोनिया में सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बिहेव करेगा, तो डाइबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। 50th क्वेश्चन में है, कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इक्वल, तो इसका आंसर हमारे पास सी होने वाला है, वो नंबर ऑफ आयंस पे बेस्ड, कितने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस सी पोटेशियम फॉस्फेट प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 4। 51 है, एनोडिक ऑक्सीडेशन जब होता है H2SO4 का तो क्या बनता है, तो यहाँ पे सी बनेगा, HSO4 नेगेटिव और HSO4 नेगेटिव आपस में कंबाइन करके सी बनाते हैं H2S2O8। विच आयन पोजेस SP3D2, तो SP3D2 बी होगा, बाकी मैंने लिख दिए हैं, ये फर्स्ट वाला SP3D3 बनाएगा, सी ऑप्शन SP3D बनाएगा और लास्ट वाला SP3D बनाएगा, तो बी ऑप्शन है इसका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो वो इथाइन होगा, मिलर इंडस्ट्रीज दी रखी है और वहाँ से हमने ठीक है, तो क्रिस्टल एक्सिस बताने थे, तो उसको हम 1/2 डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आता है हमारा, 1/2, 1/3, 1/1 लेके, और नीचे हम फिर उसका सॉल्व करेंगे तो 3 to 6 आएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस किस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 8, 5 या 8 पे होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वेट डाई का एग्जांपल भाई नेचुरल में इंडिगो है। 57 का आंसर मुझे भी क्लैरिटी नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। 58 का मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ऑर्डर डी होगा, 4th इसका सबसे ज़्यादा एसिड, फिर 3, फिर 1 और उसके सबसे लास्ट में सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर जो 59 है, फॉर विच ग्रुप ऑफ केटाइंस द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय स्पिन ओनली फार्मूला, तो इसका आई डोंट नो बी हो सकता है शायद, कि स्पिन ओनली फार्मूला मतलब जहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू 1 हो, तो n की वो वैल्यू Ce3 के लिए तो 1 आती है, बाकी Nd के लिए नहीं, तो आई नॉट श्योर इसका आंसर, मुझे बी होना चाहिए, बाकी आई डोंट नो। 60th का है, न्यूमेरिकल आ गया ये फिर से, कि भाई 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना था हमने, तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स से मतलब कि उसकी रेशो से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की,
तो यहाँ से इसका आंसर ए आने वाला है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल देंगे, फिर वाटर, और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स से हम निकाल सकते हैं कि गिवन वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, इस तरह से निकाल के 61 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कीटोन्स देते हैं। ये ए के ऑप्शन है जो एल्डिहाइड वाला है, तो ए सही होगा इसका। अब ये मैजिक नंबर वाला भी न्यूक्लियर में जो मैजिक नंबर जो होते हैं वो ये मैंने लिखे हुए हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, तो ये होते हैं मैजिक नंबर्स। अब यहाँ पे एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं इसमें आंसर बन रहा, तो ए नियरली जो आंसर है वो ए है मैच करता हुआ, तो आई एम नॉट श्योर ए है या क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर बना रखा है भैया, डिफ़िकल्टी लेवल मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा। इन द थ्री है हमें ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी बनाना है, तो ये ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी हमारा सी होता है। इससे भी ऊपर देखिए तो बेंजीन सबसे ज़्यादा, फिर पायरेडीन, फिर पायरोल, फिर प्यूरान, और सबसे कम जो है थायरेफिन होता है। 64 में क्या दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स ये बन रहे हैं हमारे, तो क्या कलर होगा इनका, तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इनका ब्लू, रेड और ग्रीन होता है। देन अमंग 65th क्वेश्चन है, अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स NH3 और H3O पॉजिटिव के, तो कौन सी सही नहीं है, तो यहाँ पे डी वाली सही नहीं है क्योंकि दोनों में एक ही लोन पेयर होगा। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, भाई अब थ्योरी है क्या है इसका, बी होगा आंसर या क्या होगा आप लोग बता सकते हैं मुझे। 67th है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट स्टेबल स्पीशीज कौन सी होंगी, तो डी आंसर इसका लग रहा है। 68th क्वेश्चन का जो है बी आंसर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल दे रखे हैं, तो आइसोटोनिक है इसका मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सही होगी, एन बाय वी की वॉल्यूम सही होगी, तो एम बाय एम इंटू वन अपॉन वी इज इक्वल टू एम बाय एम इंटू वन अपॉन वी, यहाँ से हम जो निकाल सकते हैं आंसर हमारा। और शुगर सॉल्यूशन का जो मोलिकुलर वेट होगा वो 342 होगा, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 60 आंसर आने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं 69, मोनोबेसिक एसिड हैज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे के इक्वल टू सी अल्फा इन टू सी अल्फा, और इसको इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लेके सी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंजाइम्स डू नॉट कंटेन जिंक, तो जिंक किस में नहीं होता, सी में नहीं होता है। नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर आर बी, फेज डायग्राम में 3 पॉइंट होते हैं। 72 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सब्सटीट्यूटेड सिलेन्स द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर इज, जिसमें एक सिंगल आर है, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद एक्स मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, तो कितने एक्स फिनाइल हाइड्राजीन होने चाहिए, वहाँ पे 3 होने चाहिए। 73 क्वेश्चन का आंसर 3 है, सी। इफ़ द गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में जो रिलेशन है वो ये है कि गोल्ड नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटेक्टिव पावर, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, जिसका सबसे कम गोल्ड नंबर है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर वाला होगा। हु फर्स्ट यूज द फिनाइल आइसोथायसाइनेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड, तो ये डी है, फेहर एडमन। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स, तो इथेनॉल ब्रोमीन वाटर में जो रिएक्शन, वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं होता इसका, बट यहाँ पे अगर ऑप्शन है तो डी हो सकता है, बाकी आई एम नॉट श्योर, आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल, ठीक है, तो वो क्लोरीन के केस में ही पॉसिबल होगी, बाकी उनके पास डी ऑर्बिटल्स है नहीं। 78th क्वेश्चन है, क्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग वेल मोलिब्डेट एंड टंगस्टेट आर नॉन ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज, जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनकी स्टेबल होती है। 79th क्वेश्चन में जो ए बनेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट एनएच के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 79 में जो ए और बी कंपाउंड बन रहे हैं वो NaClO और NaClO3 बनेंगे, कोल्ड के केस में NaClO और हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के केस में NaClO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है,
फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्राइमरी प्रोसेस. ये भाई स्टार्क आइंस्टाइन में से उठा रखी है सिचुएशन. हाँ, इन्होंने तो स्टार्क ने दी होगी या आइंस्टाइन ने दी होगी, तो दोनों में कन्फ्यूजन है. तो स्टार्क भी हो सकता है, आइंस्टाइन भी हो सकता है. आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. रिएक्शन ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये भाई नेम रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन है हमारा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 82 है, विच कार्बन आयन इज़ मोस्ट स्टेबल. तो यहाँ पे एलाइलिक होगा तो भी सही है. ये हमें दे रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें बताना है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और हेक्सागोनल बायपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी. क्रिस्टल सिस्टम विच हैज़ नो सिमेट्री, तो ये सबसे लास्ट वाला जो है हमारा टी ट्राइक्लिनिक में कोई नहीं होता सिमेट्री, ना उसमें ए बी सी बराबर होते हैं, ना अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं. तो फेंटन रिएजेंट के साथ टर्शियरी ब्यूटेनॉल क्या बनाता है, तो डाइमराइजेशन हो जाती है इनकी, तो बी बनता है हमारे पास. सी एफ एस सी दे रखा है 18,000 पर सेंटीमीटर. और डेल्टा टी फोर सी ओ सी एल फोर टू नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो ये जब हम निकालेंगे ये फॉर्मूले से डेल्टा फोर टी इज इक्वल 4/9 डेल्टा नॉट, तो यहाँ से 8,000 आंसर आ जाएगा. आउटकम ऑफ कार्नोट थ्योरम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एन ओ सी एल एंड एन ओ थ्री रिएक्ट विद लिक्विड एन टू ओ फोर टू प्रोड्यूस एन टू ओ फोर और एन ए सी एल यहाँ पे बनते हैं, तो ये रिएक्शन इसका होता है, ठीक है. 89 क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ एन एडसॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन. तो लैंगमेयर इक्वेशन यूज करके बनाते हैं हम. मॉलिकुलर इन वाइब्रेशन मोशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी इक्वल टू, तो ए या बी में से आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 91 है कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड किसका एग्जांपल है. तो भाई कैलोमेल इलेक्ट्रोड होता है मेटल एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो अब ये ए भी हो सकता है आंसर और सी भी. तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ए आंसर होगा इसका. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में, फोरोन क्या होता है. तो फोरोन का ये आंसर है, ये होगा फोरोन, ये होता है, ये मैंने बना के भी दे रखा है इधर. देन इसमें कौन सा ये RE2Cl8 जो है उसके अंदर RE और हरी के बीच में भैया क्वाड्रपल बॉन्ड है, ठीक है. तो ये तो अगर आता होगा आपको पहले पढ़ा हुआ होगा तो ठीक हुआ होगा, नहीं तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अब नेक्स्ट आता है कि डेल्टा एच का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा सही होगा. तो वो जो डेल्टा एन जी आर टी करके अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 1-3/2 आएगी और अल्टीमेटली ये डी ऑप्शन सही होगा हमारा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज. तो हो सकता है सिंपली ए इंक्रीजेज हो, या क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके बाद डीनेचुरेशन होने लग जाती है एंजाइम की, तो सी भी हो सकता है. तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 97 में भी भाई ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाला है, तो इसमें क्या बनेगा आंसर आप लोग बता सकते हैं मुझे. क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है कि ई एन रोल रूल कौन फॉलो नहीं करता. तो ई एन रूल होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वल हो नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, तो वो हमारे पास बी ऑप्शन में नहीं बन रहे, 35 बन रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 99 में जो है कि भाई रियल गैस जो है में लेस प्रेशर क्यों होता है, क्या रीज़न है, तो वो डी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है. 100 नंबर क्वेश्चन में डिवार बेंजीन क्या होता है भाई, तो डी होगा. इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी आर, तो एन यू एच को जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड सी एल टू के साथ करेंगे एन ए सी एल ओ थ्री बनेगा, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई के साथ जब क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे तो सी ए ओ सी एल टू, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे. इन पोटेशियम परमैंगनेट द डार्क कलर अराइजेज ड्यू टू, तो यहाँ पे भाई ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ डी डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं हो रहा,
यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन होता है कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल। अब HSAB प्रिंसिपल क्या होता है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग होता है कि भाई हार्ड एसिड जो है हार्ड बेस के साथ बनाएगा सही कंपाउंड, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बनाएगा। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट ए ऑप्शन में ए जी हमारा सॉफ्ट आएगा, एसिड ये एफ जो है हार्ड बेस है, कैडमियम सॉफ्ट एसिड, NH3 हार्ड बेस, तो सही नहीं है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ होना चाहिए, हार्ड हार्ड के साथ होना चाहिए, और वो कहाँ पे हो रहा है? डी में, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, तो डी सही होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये भाई यहाँ पे वैसे तो बाय मोलिकुलर है बट ये एक्ट करता है यूनिमोलिकुलर की तरह, तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर है, तो वन ही होगा यहाँ पे ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 105 में रिएक्शन दे रखा है बेंजीन का CH3 थ्राइस CCOL, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं हमें, तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे? तो ये भाई इस पर मुझे डाउट है, तो आई थिंक सी है आंसर शायद, बट आई एम नॉट श्योर, तो आप बता सकते हैं। 107 में है कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन द लिगेंड फील्ड इज इन, तो ये मुझे बी ऑप्शन लग रहा है इसका। 3s का यहाँ पे इन्होंने कौन सा सही है, तो 3s को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी ऑप्शन सही है इसका। तो 109 में कि नंबर ऑफ SO एंड SOH बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मार्शल्स एंड पॉलीमर। मार्शल एसिड हमारा ये हो गया, तो इसके अंदर बॉन्ड है 4 and 2, और ओलियम के अंदर भी 4 and 2 बॉन्ड ही है। सल्फर और ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड होते हैं और सल्फर एंड OH के 2 होते हैं। तो 109 का ए ऑप्शन है। इंडिकेट द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए प्रोडक्ट बनेगा। बेंजीन को जब सोडियम के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ए बनता है। रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होती है, तो ये नियर बाई आंसर मुझे 1.3 लग रहा है, तो 111 का सी ऑप्शन हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर गोज डायसेल्डर रिएक्शन, तो कौन करता है डायसेल्डर रिएक्शन? क्यूरान करेगा, ठीक है। एलिन ऑन रिएक्शन विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी भाई आंसर आई एम नॉट श्योर क्या है, ठीक है। तो ये लोग आप मुझे बता सकते हैं आंसर इसका क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच शोज बोथ फैक एंड मर आइसोमेरिज्म, तो फैक एंड मर आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? डी करेगा, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। CFSC विल बी हाईएस्ट फॉर, किसके लिए हाईएस्ट होगी? हाई स्पिन, यहाँ पे D4 के लिए इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा आएगी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी 2.4 डेल्टा नॉट, बाकियों में सब में कम आएगी, इसी में तो ज़ीरो ही होगी, ठीक है। तो 115 का डी आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 116 में कि सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस में नहीं होता? तो वुड्स रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स के लिए होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि लीथियम जो है हार्डर एसिड है देन सीजियम। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो कॉलरेस लॉ होता है, तो बी ऑप्शन होगा। विच पोजीशन आर वेरी रिएक्टिव इन फिनेथ्रीन 9 and 10, बी ऑप्शन होगा अगेन। करेक्ट ऑर्डर LMCT एनर्जी इज, तो ये ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। VO4 वाला सबसे ज़्यादा, देन क्रोमियम एंड फॉलोड बाय मैंगनीज। अबव मेंशनड कंपाउंड ये हमारा भाई प्रोटोन स्पॉन्ज है। 11121 का आंसर बी है, तो ये हमें दे रखा है डेल्टा एच फॉर्मेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा आएगा, ठीक है। एंथैल्पी डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इन 100 मोल ऑफ वाटर, तो इनको हम ऐड करेंगे दोनों को, तो आंसर हमारा ये आने वाला है, और नेगेटिव होगा क्योंकि रिलीज हो गया एनर्जी। देन आते क्वेश्चन नंबर 121 में, तो एक्सप्रेशन हमारे को दिया हुआ है, ये लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग होता है। देन जो इक्वेशन दे रखी है वो उससे क्या बनता है? तो बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भाई NCH3 थ्राइस और NSIH
थ्री थ्राइस में क्या ज्योमेट्री होगी, तो इसमें पिरामिडल एंड प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो 125 का सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है, यू कैन हैव अ लुक। ये क्वेश्चन पेपर इस तरह से हमारे पास है, 125 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और सारे केमिस्ट्री के हैं। तो पीजीटी केमिस्ट्री का जो यूपी का पेपर है उसके अंदर सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। और मुझे तो काफ़ी इसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा ही लगा, आई थिंक बाकियों को कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं, आपके क्या एनालिसिस रिव्यू है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।